राजस्थान मूल के जस्टिस मोहम्मद रफीक ने सोमवार को ओडिशा हाईकोर्ट के 31वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने जस्टिस मोहम्मद रफीक को भुवनेश्वर में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के समय कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। जस्टिस मोहम्मद रफीक राजस्थान हाईकोर्ट से ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं। उनसे पहले जस्टिस KS झवेरी भी ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। बता दें कि जस्टिस मोहम्मद रफीक राजस्थान के शेखावाटी के चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 25 मई 1960 को जन्मे मोहम्मद रफीक ने वकालत की डिग्री लेने के बाद 1984 में राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस के समय जस्टिस मोहम्मद रफीक राजस्थान हाईकोर्ट के अकेले ऐसे अधिवक्ता थे जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासनकाल में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे।